गुड मॉर्निंग, वीडियो में एक बार आपका पुनः स्वागत है। स्ट्रक्चर शेप एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया के सेकंड पार्ट में आज हम लोग यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 से, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच वाज इवॉल्व ऑन द अर्थ, माने जो पहला ऑर्गेनिज्म जो पृथ्वी पर आया वो क्या था। तो यहाँ फोर ऑप्शन दिया है, सेप्रोट्रॉप्स, कीमो हेटरोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स। जो 45 का सही आंसर है आपको साथ साथ गेस करते हुए चलना है और मैं भी आपको बताता रहूँगा तो आप अपना अभी नॉलेज टेस्ट यहाँ पे कर सकेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है कीमो हेटरोट्रॉप्स, उसका जो सही आंसर है वो क्या है, कीमो हेटरो। क्वेश्चन नंबर 46, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार बैक्टीरिया का उन्होंने खोज किया और वो किस देश से बिलोंग करते थे, माने किस देश से संबंधित थे। तो यहाँ पर ऑप्शन में हॉलैंड, सी ऑप्शन सही है। 47 बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, बैक्टीरिया किस किंगडम से में से सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन में सी ऑप्शन जो है मोनेरा वो बिल्कुल सही है। मित्रों आपको बताते चले हैं कि यहाँ पे 1000+ टॉपिक का सीरीज एक चल रहा है जिसमें आपको प्रत्येक टॉपिक से हम उन प्रश्नों को रोज़ इंडिकेट कराते हैं जो अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उसी क्रम में आप डेली 6:30 बजे इन वीडियोस को देख सकते हैं, 6:30 से 7 बजे तक, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइम है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बायोलॉजी संबंधी कोई भी प्रश्न आप पूछ कर उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं 47 पे, बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, फोर ऑप्शन दिया है, प्रोटिस्टा, प्लांटी, मोनेरा एंड एनेमिलिया। तो अभी थोड़ी देर पहले भी से रिलेटेड क्वेश्चन जो था मोनेरा वही यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, साल्मोनेला स्पीसीज इज, तो साल्मोनेला स्पीसीज कैसी है, मोनोट्राइकस है, लोफोट्राइकस है, या एम्फीट्राइकस है, या पेरीट्राइकस है। तो 48 का जो सही आंसर है वो है पेरीट्राइकस। कहने का मतलब क्या है, साल्मोनेला के में जो फ्लेजिला है उनके नंबर के बारे में यहाँ पर बात चल रही है। मोनो माने एक, लोपो माने यहाँ पे दोनों साइड से मतलब है, एम्फी माने भी दोनों से मतलब हो गया, और पेरी माने चारों तरफ। तो जो साल्मोनेला स्पीसीज है उनमें पेरी ट्राइकस चारों तरफ फ्लेजिला लगे होते हैं। 49, हु क्लासिफाइड बैक्टीरिया अंडर साइजोमाइसिटीज, साइटोमाइसिटीज के अंदर किसने बैक्टीरिया को वर्गीकृत किया है। ए ऑप्शन दिया है नागेली, बी दिया है लीनियस, सी दिया है लीवेनहॉक और डी दिया है सदाशिवान। तो आप भी साथ साथ गेस करते चले, इसका ये अक्सर पूछा जाता है और देखिए MPPMT पूछा भी गया है, तो इसका सही आंसर है नागेली। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ ग्रोथ कर्व फॉर बैक्टीरिया इज, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है बैक्टीरिया के जब ग्रोथ होती रहती है तो उसमें जो कर्व बनता है उसके लिए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें जो डी ऑप्शन है, लैग, लॉग, स्टेशनरी, डिक्लाइन फेज। 51, जीनोफोर टर्म वाज क्वाइंड बाय हैंस रिश फॉर, तो जीनोफोर जो यहाँ पे टर्म है वो हैंस रिश द्वारा क्वाइंड किया गया है, किस लिए, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, बी ऑप्शन स्टैक ऑन विच स्पोर ऑरिजिनेटेड, सी बैक्टीरियल क्रोमोसोम, डी है फंगल क्रोमोसोम। तो 51 का जो सही आंसर है आप भी गेस करते चले, सी है बैक्टीरियल क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 52, द डीएनए ऑफ ई कोलाई इज, ई कोलाई का डीएनए जो है वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड एंड लाइनियर, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड लाइनियर एंड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। तो डीएनए ऑफ ई कोलाई की जब बात चल रही है तो डीएनए ऑफ ई कोलाई जो है वो डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर होता है, कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर। 53, इन प्रोकैरियोट्स द ग्लाइकोकैलिक्स व्हेन इट इज थिक इज कॉल्ड, प्रोकैरियोट में जब ग्लाइकोकैलिक्स मोटा हो जाता है क्या कहलाता है, तो कैप्सूल कहलाता है, स्लाइम लेयर, सेल वॉल एंड मीसोसोम, चार ऑप्शन आपके सामने है। इसमें जो सही आंसर है वो है कैप्सूल कहलाता है, एक मोटी सी लेयर वो क्रिएट कर लेता है और कैप्सूल का कार्य करता है यहाँ पे। 54, व्हेन अ बैक्टीरियम इज प्रोवाइडेड विथ फ्लेजला एराइजिंग फ्रॉम टू अपोजिट इट इज कॉल्ड,
जब एक बैक्टीरियम माने यहाँ एक बैक्टीरियल सेल की बात चल रही है, उसमें दो उसमें फ्लैजिला उत्पन्न हो दोनों अपोजिट पर माने दोनों साइड पर, तो क्या कराता है, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस या पोलीट्राइकस। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है एम्फीट्राइकस। एम्फी माने दोनों साइड से मतलब है, माने दोनों तरफ उसमें फ्लैजिला उपस्थित होगा तो क्या कहलाएगा, एम्फीट्राइकस। 55 द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक एंड और होस्ट टिश्यूज आर, माने वह कौन सी संरचना है जो बैक्टीरिया को उसके होस्ट से अटैच करने में हेल्प करती है या रॉक से अटैच करने में हेल्प करती है, अटैच होने में हेल्प करती है। ए दिया है फिम्ब्री, बी दिया है मिसोसोम्स, सी दिया है होल्ड फास्ट, डी दिया है राइजॉइड्स। तो 55 का जो सही आंसर है वो है ए फिम्ब्री। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज जीनोफोर, जीनोफोर व्हाट इज जीनोफोर, जीनोफोर क्या है, डीएनए इन प्रोकैरियोट्स, डीएनए एंड आरएनए इन प्रोकैरियोट्स, सी ऑप्शन डीएनए एंड प्रोटीन इन प्रोकैरियोट्स और डी ऑप्शन आरएनए इन प्रोकैरियोट्स। तो 56 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे बी, डीएनए एंड आरएनए इन प्रोकैरियोट्स, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है बी वाला। देखते चले यदि कोई आपको ऑप्शन गलत लगता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हालांकि इसमें आपको परफेक्ट आंसर ही दिए जाएंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ आयरन बैक्टीरिया एच, ये दिया है बिगिया टोआ, जियो बैचलस, फेरो बैचलस, नन ऑफ दीज। 57, तो 57 का जो सही आंसर इसमें है वो है सी फेरो बैचलस, इसका आंसर सही है फेरो बैचलस आंसर सही है यहाँ पे। 58, बैक्टीरिया आर मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया किसे मिलकर बना है, न्यूक्लिक एसिड, बी ऑप्शन दिया ओनली प्रोटीन, सी दिया न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, डी दिया न्यूक्लियोसाइड्स और ई दिया है नन ऑफ दीज। तो 58 जो है उसका सी आंसर सही है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन इसका सही आंसर है। 59, जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आर लोकेटेड इन, जीन्स जो एंटीबायोटिक होते हैं कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, या इसी क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स इज ए जेनेटिक ट्रेट, इट इज़ नॉर्मली कैरिड बाय द, माने बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंस होता है एंटीबायोटिक का वो एक जेनेटिक माने करेक्टर है और ये किसके द्वारा नॉर्मली पाया जाता है, ये यहाँ पे शो किया जा रहा है। ए ऑप्शन दिया है क्रोमोसोम, बी दिया है न्यूक्लियस, सी सेल वॉल एंड डी दिया है प्लाज्मिड। तो आप अभी तक गेस करने का प्रयास कर चुके होंगे, 59 का जो सही आंसर है वो क्या है, प्लाज्मिड है, क्या है, प्लाज्मिड है। क्वेश्चन नंबर 60, द सेल्स ऑफ बैक्टीरियम स्टेफाइलोकॉकस रिमेन ऑरेंज इन द फॉर्म ऑफ, माने बैक्टीरियम जो स्टेफाइलोकॉकस है उसका जो सेल है वो किस रूप में ऑरेंज होता है, प्लेट के रूप में, बी क्यूब के रूप में, सी ई रेगुलर क्लस्टर के रूप में, डी दिया है चेन के रूप में। तो सिस्टी जो यहाँ पे आंसर दिया किस रूप में ऑरेंज होती है, तो आपको यहाँ पे सही आंसर लगाना है ई रेगुलर क्लस्टर। क्वेश्चन नंबर 61, पेप्टाइडोग्लाइकन इज ए करेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ, पेप्टाइडोग्लाइकन जो है एक मन विशेष लक्षण उसका है सेल वॉल का किसमें, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है, ए यू बैक्टीरिया है यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स के रूप में, बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया, सी आर्किबैक्टीरिया एंड यूकेरियोट्स, ऑल मेंबर ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तो 61 का जो सही आंसर है आप गेस कर चुके होंगे, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, बी ऑप्शन आपको करेक्ट मानना है। क्वेश्चन नंबर 62, बैक्टीरिया एंड अदर मोनेरन्स डू नॉट पॉजेज, बैक्टीरिया और जो दूसरे मोनेरन्स हैं वो नहीं रखते हैं, ए राइबोसोम्स, बी माइटोकांड्रिया, सी न्यूक्लियाई, डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो 62 का सही आंसर है, बैक्टीरिया और अदर मोनेरन्स जो हैं वो नहीं रखते हैं माइटोकांड्रिया को, तो रखते क्या हैं इसकी जगह पर, मीसोसोम्स को रखते हैं, किसको रखते हैं, मीसोसोम्स को। 63, म्यूकोपेप्टाइड इन सेलवाल इज मोर इन, म्यूकोपेप्टाइड जो है सेलवाल में उसमें अधिकता होती है किस चीज़ की, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सी साइनोबैक्टीरिया और डी दिया बैक्टीरियोफाज। तो 63 का जो सही आंसर है वो आपका है ए
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अधिक मात्रा में रखता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अधिक मात्रा में ये रखता है। क्वेश्चन नंबर 64, आइडेंटिफाई द बैक्टीरियम दैट अपीयर्स वायलेट आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। आपको उस बैक्टीरियम को आइडेंटिफाई करना है जो ग्राम स्टेनिंग के बाद वायलेट कलर में अपीयर होती है, वायलेट कलर दिखाती है। ए साल्मोनेला एंटेरिका, बी इकोलाई या एस्कर्किया बोल सकते हैं आप, सी दिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डी दिया है राइजोबियम मेलिलोटी। तो 64 का जो सही आंसर है वो है सी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिससे क्षय रोग या टीबी रोग हो जाता है। 65, मैनी बैक्टीरिया बियर माइन्यूट हेयरी स्ट्रक्चर ऑन देयर सेल वॉल, दीज आर कॉल्ड। बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो पहनते हैं माने उनमें उपस्थित होता है बहुत छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर, क्या कराती है ऐसी सेल, हेयर्स फ्लेजला पिलाई या सीलिया। तो 65 का जो सही आंसर है वो है सी पिलाई, वो जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं क्या कहलाते हैं, ब्लैक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 66, विच ऑफ द फॉलो इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्लाज्मिड। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है प्लाज्मिड के परिप्रेक्ष्य में। ए दिया इट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया, और बी दिया इट इज नॉट ए इंटीग्रल पार्ट बट इनर्ट जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर बी आंसर ही सही है, इट इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट बट इनर्ट जेनेटिक मटेरियल। 67 में चलते हैं, इन फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया गिव्स राइज टू। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड हो जाती है, मुड़ जाती है, तो क्या कहलाते हैं, क्लेथरिन कॉन्ड्रिथिन और कॉन्ड्रियोड्स और क्रोमैटिन। तो 67 का जो सही आंसर है वो है सी कॉन्ड्रियोड्स। यही यदि बैक्टीरिया के केस में बैक्टीरियल सेल के केस पूछा जाता तो उसे कहा जाता है मीसोसोम्स, क्योंकि मीसोसोम्स भी फोल्डेड मेम्ब्रेन ही होती है। नेक्स्ट 68, बैक्टीरिया विथ टफ्ट ऑफ फ्लेजला एट वन पोल इज नोन एज। बैक्टीरिया जो फ्लेजला टफ्ट के साथ एक पोल पे उपस्थित होता है क्या कहलाता है, एम्फीट्राइकस पेरीट्राइकस एट्राइकस या लोफोट्राइकस। तो 68 का जो सही आंसर है वो है डी लोफोट्राइकस। क्या आंसर है, लोफोट्राइकस। 69, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल अकर्स इन। तो देखिए बहुत ज़्यादा बारे पूछा गया है सर्कुलर मॉलिक्यूल जो होता है, सर्कुलर डीएनए जो होता है, इस तरह से आप देखते हैं वो किस में पाया जाता है, वायरस में, बैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकांड्रिया में, सी बैक्टीरिया एंड क्लोरोप्लास्ट ओनली या बैक्टीरिया ओनली। तो ये भी ऑप्शन इसका सही है, बैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया तीनों जगह पे सर्कुलर डीएनए ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स इज ER, मीसोसोम्स, राइबोसोम एंड नन ऑफ दीज। तो जो 70 का सही आंसर यहाँ पे है वो है मीसोसोम्स। क्या सही आंसर है, मीसोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 71, बैक्टीरियल सेल्स कैन बी स्टेन विद द। तो यहाँ पे पूछा गया बैक्टीरियल सेल जो है वो किसके द्वारा स्टेन की जाती है, मर्क्यूरी क्लोराइड, क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन, और डी दिया है सेफ्रोनिन। तो 71 का जो सही आंसर यहाँ पे है क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन, जिसकी सहायता से बैक्टीरियल सेल को क्या किया जाता है, स्टेन किया जाता है। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज फॉर, जो टर्म ग्लाइकोकैलिक्स है वो किसके लिए यूज किया जाता है। ए ऑप्शन दिया है लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, बी दिया सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सी दिया बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर्ड टू पाजेज यन ग्लाइको साइलेटेड प्रोटीन, डी दिया लेयर सराउंडेड द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो 72 का जो सही आंसर है वो है डी, अ लेयर सराउंडेड द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट चलते हैं 73, वाई इज ए कैप्सूल एडवांटेज टू अ बैक्टीरियम। 73 जो आपका यहाँ पर सही आंसर दिया हुआ है इसका देख लें, थोड़ा सा गेस करते चले, इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरियम फ्रॉम डेसिकेशन, बी इट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ लोकोमोशन, सी इट अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, डी इट अलाउज द बैक्टीरियम टू अटैच टू द सर्फेस। तो 73 का जो सही आंसर है वो है सी, इट अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। 74 पे चलते हैं,
According to the shape, the means of the different bacteria are given below. Identify the यहाँ पे आप देखिए चार तरह के बैक्टीरिया दिए गए हैं और इनमें इनके शेप के कारण इनको आइडेंटिफाई करना। जैसे ए दिया है तो यहाँ पे देखिए ए जो गोलाकार होता है वो कोकाई कहलाता है, ये हो गया कोकाई। बी जो है राड शेप्ड बैसिलाई, सी जो है स्पायरल शेप्ड स्पायरेला और यहाँ पे डी दिया है विब्रियो, कामा शेप जो होते हैं विब्रियो कहलाते हैं। तो इस तरह से आज के इस क्रम में हम लोग यहीं तक देखेंगे और इस तरह से डेली आपको वीडियो 6:30 बजे के आसपास मिलता है, 6:30-7 बजे तक। तो आप इस चैनल पे आके डेली वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको ये पसंद आता है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं और अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।